सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, इस वक्त ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको साफ दिख रहा होगा। टर्म टू एग्जाम्स के जो प्रिपरेशंस है वो ऑन हो चुके हैं, यूं कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब यहां पे जब हम टर्म टू या बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, बिना प्रैक्टिकल के या वाइवा की बात के बिना ये पूरा जो बोर्ड एग्जाम का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। आपके थ्योरी पेपर्स जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल भी, या कह सकते हैं कि वाइवा एग्जाम भी या वाइवा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो भी। तो मतलब दोनों को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन अक्सर ये चीज देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि मैं शॉक्ड हूं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में भाई आपके मार्क्स जो होते हैं वो सीधा सीधा अच्छे खासे होते हैं। अब आप सोचो पासिंग मार्क्स आपका कितना है, 33, ठीक है। ऑन एन एवरेज जब 33 आपका पासिंग मार्क्स है और प्रैक्टिकल ही आपका अच्छा खासा मिल जा रहा है, तो प्रैक्टिकल में आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो थियोरेटिकल वाले में आपको एक तरह का उसमें एड ऑन मिल जाता है, प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं, फायदा मिल जाता है, और साथ ही साथ में बढ़त हासिल हो जाती है ना। लेकिन अक्सर ये चीज देखा गया है स्टूडेंट्स इस चीज से बहुत डरते हैं वाइवा देने से या प्रैक्टिकल देने से। यार वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक्सटर्नल आएंगे तो क्या क्या पूछेंगे, यार डर लग रहा है, ठीक है। मतलब एक जबरदस्ती का हवा बहुत ज्यादा बना रहता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर में ये सारे जो आपके इश्यूज हैं हम दूर कर देंगे। एक्सटर्नल्स क्या पूछने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, क्लास 10, 12 दोनों में। तो मतलब आपके सारे इश्यूज जो है वो यहां इस वीडियो के अंदर में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन गाइज वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो डैट कि हम इधर वीडियो को अपलोड करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। साथ ही साथ में जो भी सबसे पहले अपडेट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, सब्जेक्ट नोट्स होते हैं, वो मैं सबसे पहले इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। सो प्लीज सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो यहां पे अब हम आ जाते हैं टर्म टू प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा, ठीक है। यहां पे आगे बढ़े मैं एक और चीज बता दूं, ये जो भी कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं या बताने वाला हूं ये पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कोई भी चीज नहीं छूटेगा, सब कुछ बेस्ड है किस पे, जो सीबीएसई ने लेटेस्ट जो नोटिस सर्कुलर जारी किया है तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को, ये उसके ऊपर बेस्ड है। मतलब आपका कुछ भी मिस नहीं होने वाला है और आपको बड़े बड़े जो आपके मन में क्वेरीज हैं, सवाल हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। और इस वीडियो सेशन एंड होने के बाद में आप प्रैक्टिकल में फुल ऑन मार्क्स लाओगे, ये मैं डैम श्योर कर सकता हूं, ठीक है। तो गाइज यहां पे आपके क्वेरीज भी सॉल्व होंगे और साथ ही साथ में इश्यूज भी। तो यहां शुरू हम करते हैं इस सेशन को, टर्म टू प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा, एक्सटर्नल्स क्या पूछेंगे या आपको कैसे कैसे अपने आपको सेफ रखना है, कहां कहां आपको किन चीजों को जवाब देना है, नहीं देना है, क्या करना है, ये सारी कुछ है। एक्सटर्नल कोई भूत नहीं है, कोई हवा नहीं है, हमने उन्हें बना दिया है हवा। ऑब्वियस बात है एक बाहर से एक एग्जामिनर आए हैं, वो एग्जामिनर आपके जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है। फर्क यह है कि प्रैक्टिकल में ये एक्सटर्नल्स हमसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ ये जो एक्सटर्नल्स होते हैं सिर्फ यही पूछते हैं, या आपके इंटरनल जो स्कूल के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका भी कोई रोल है या उनके भी बात चलती है, सारे सवाल इस वीडियो के अंदर में जवाब आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज यहां पर हम इसको शुरू कर रहे हैं और मैं आपको ले चलता हूं यहां। और गाइज यहां पे सबसे पहले पॉइंट आता है पॉइंट नंबर वन, और जो आपका पहला मन का जो आपके किसी एक स्टूडेंट के मन में सवाल होता है वो होता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट से पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट नंबर वन आपको पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दे रहा हूं, और फिर अगेन वही बात कि ये पीडीएफ मैं आपको शो कर दूंगा जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर है, उसके अंदर में ये सारी चीजें मौजूद हैं, बस मैं आपको उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं और निकाल के बाहर दे रहा हूं। तो यहां पे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विच स्टूडेंट हैज मेड, मतलब जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, ठीक है। यहां प्रोजेक्ट आपका बनाया हुआ, प्रैक्टिकल कॉपी आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑब्वियस बात है आपने उस पर ध्यान दिया होगा, आपने जो रीडिंग्स लिए होंगे वो अच्छे से लिखे होंगे वहां पर, ठीक है, कहीं से कॉपी नहीं किया होगा, ऑब्वियस बात है कॉपी में मिस्टेक्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जाम इन हैंड, मतलब जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन में जो जिस प्रैक्टिकल को आपको दिया गया करने के लिए, जिस एक्सपेरिमेंट को, उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यार अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपने इस पे काम किया ही होगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, जो आपको एक्सपेरिमेंट जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं दिया जाता है। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल एग्जामिनर का क्या रोल होता है, वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूं। और गाइज यहां पर आता है आपका पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री। अब पॉइंट नंबर क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से, और ये आपको टेंशन फ्री थोड़ा सा कर देगा, क्योंकि ये सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग है पॉइंट नंबर टू, क्वेश्चंस ऑफ मोर जनरल नेचर बी अवॉइडेड। सीबीएसई ने
कल देर रात जो अपना सर्कुलर जारी किया है उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है एग्जामिनर्स को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो या स्कूल के हेड्स हो, साफ साफ कहा गया है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं ना भाई, वो आप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, मतलब उस दो चीजों के आसपास ही में आप क्वेश्चन पूछेंगे। आप जनरल नेचर के क्वेश्चन को, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने को आप अवॉइड करेंगे, तो मतलब आप बच गए ना, देखो आप यहां सेफ हो गए, ठीक है, यहां आप सांस, एक ठंडी सांस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक बड़ा चीज आता है कि भाई यहां पे जो हमारा है पॉइंट नंबर 3, अब इसको गौर करो, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे एक बड़ा बात आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर मैंने देखा है कि परेशान होते हैं, डरते हैं कि सर जो प्रैक्टिकल है मिलता है हमें एग्जाम में या एक्सपेरिमेंट मिलता है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं यार, आप बेकार का डर रहे हो, ठीक है, बेकार का डर रहे हो। टीचर्स आपके इंटरनल वाले भी हैं, आपके स्कूल के हैं, ठीक है, आपके होम सेंटर में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, होम सेंटर में हो रहे हैं। तो यहां पे जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट्स है उसी के अंदर से एग्जामिनर आपको दे सकता है, भले ही वो आपके स्कूल का इंटरनल एग्जामिनर हो या एक्सटर्नल एग्जामिनर हो। और वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स कौन से हैं आपको पता है, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कौन से जो हैं वो कौन से हैं, ये हैं जो कि लिस्ट प्रोवाइड किया गया है बाय बोर्ड, बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट प्रोवाइड करवाया गया है वही, उन्हीं में से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, एक्स्ट्रा बाहर से नहीं दे सकता। और इसमें भी एक गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है मैं आपको बता दूं, देखो यहां पे गाइडलाइन ये है कि जो भी प्रैक्टिकल आपके ग्रुप को दिया जाएगा या आपको दिया जाएगा वो आपसे सहमति से ही उन्हें कंफर्म करना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब अपने मन से नहीं दे सकते कि भाई हमने कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, आपसे सहमति होनी चाहिए। और किसकी आपसे सहमति होनी चाहिए, एक्सटर्नल की, फिर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, मतलब अक्सर हम लोग को ये बताया जाता है यार एक्सटर्नल आएंगे ना वो तुमको हिला के रख देंगे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टीचर्स का, दोनों एग्जामिनर्स का इंपॉर्टेंस होता है, एक सिंगल का नहीं है, दोनों का है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको बहुत ज्यादा रिलीव करेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वाइवा के लिए वो भी पूछ, जो भी पूछे जाएंगे बाय बोथ द एग्जामिनर्स, वो पूछे जाएंगे दोनों ही एग्जामिनर्स के द्वारा, मतलब आपके इंटरनल एग्जामिनर का भी रोल इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना, बस यहां पे एक चीज का ध्यान देखना है, पता है क्या, कभी भी अपने एग्जामिनर को ना, मतलब आप तंग मत करो, तंग मत करो, मतलब आप उनको ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करते हुए दिखाओ। इफ यू डोंट नो समथिंग डायरेक्टली बताओ यार नहीं आता, ठीक है, सॉरी सर वी डोंट नो, आई डोंट नो सर, सिंपल। मतलब एक तो चीट करने की कोशिश मत करो, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, एक तो चीट नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, दूसरा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। जो आपके पास में प्रैक्टिकल कॉपी है वो उसे दिखाओ, जो आप जानते हो वो बताओ, जो लिख सकते हो वो लिखो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी अगर आप करोगे तो बिल्कुल बुरे तरह से फंस सकते हो, ठीक है, सो हमें ये नहीं करना। और गाइज अब हम लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे सवाल आते हैं कि भाई हमें मार्क्स ज्यादा कैसे मिले, हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर टू गेट मोर मार्क्स, कहां से हम ज्यादा करें। तो सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छा किया है, गाइडलाइन स्पेशली एकदम क्लियर कट बता दिया है एग्जामिनर्स को भी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को भी। बहुत ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट अगर किसी ने किया है, मतलब कौन सा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट किसे कह रहे हैं, जिस पे कि स्टूडेंट ने ज्यादा एफर्ट लगाया हो, ठीक है, या तो जिसमें ओरिजिनलिटी हो, ये दो चीज जिस स्टूडेंट के चीज में मिलेगा, मतलब उसको मार्क्स आपको देना है ज्यादा। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, मैं अभी आपको पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, साफ साफ गाइडलाइन दिखाऊंगा मैं आपको, आपको पता चल जाएगा यार सर कितना सही कह रहे हैं और मेरे मार्क्स तो कटने ही नहीं वाले हैं। तो ये एफर्ट और ओरिजिनलिटी, ये दो चीज अगर आपके चीज के अंदर में है, प्रोजेक्ट के अंदर में, तो यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट मार्क्स, कोई नहीं रोक सकता, ये एकदम कंफर्म हो जाओ, ठीक है। तो आप अगर ये बना चुके हो वेल एंड गुड, नहीं तो जल्दी से इस पे काम कर सकते हो, स्टिल यू हैव टाइम, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटरी कोई प्रोजेक्ट चुनो और उसके ऊपर एफर्ट दिखाओ, क्योंकि यार सवाल 30 मार्क्स का है, हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता है ना। और अब एक और पॉइंट, अगर ये नहीं है तो क्या होगा उसे भी देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है आपका, तो फिर आपका सीधा सीधा आ जा रहा है क्या, ये पॉइंट आ रहा है, देखो अगर आपने किसी रूटीन प्रोजेक्ट को किया है, अब होते हैं बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से जिन्होंने क्रैम कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने रूटीन प्रोजेक्ट बनाया है, तो सीबीएसई का गाइडलाइन कह रहा है इस बार का कि भाई रूटीन प्रोजेक्ट जो भी होगा उसे मार्क्स दिया जाएगा एवरेज मार्क्स, देख रहे हो, सिंपल सपाट शब्दों में
जो सीबीएसई है उन्होंने साफ साफ कह दिया है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कुलर मैं पीडीएफ फॉर्म में लिंक में डाल दे रहा हूं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और पेज नंबर 7 को ठीक से पढ़ना, ठीक है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो रूटीन प्रोजेक्ट अगर है तो उस अगर आपने वो बनाया है तो आपको एवरेज मार्क्स मिलने वाला है, फिर तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये एकदम डैम श्योर है, ठीक है। सो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको अभी से अपने चीजों पे ध्यान देना ही चाहिए या देना ही होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि इस वीडियो को देख करके आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि यार एक्सटर्नल क्या पूछेंगे और एक्सटर्नल्स का रोल क्या है, क्या वो सचमुच में भावा है, भूत है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप, मैं बताऊं, आप इजिली बहुत ही अच्छे ढंग से आप स्कोर कर सकते हो। आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो प्रॉमिस मी कि आप देखो, हमारी कोशिशों में होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, रेस्ट एवरीथिंग, कुछ पोर्शन जो होता है उसका लक पे छोड़ा जाता है और कुछ दूसरे पे। तो आप कोशिश करो, जब तक टारगेट फुल ऑन फुल लाने का कोशिश नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं। सो गो फॉर दिस थिंग, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। और गाइज मैं आपको बता दूं, अभी लगातार लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट नोट्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट वेरी सून। सो प्लीज रिकमेंड दिस चैनल जहां भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, अपने दोस्तों को आप रेफर कर सकते हो, ना सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए बल्कि साथ ही साथ इस चीज के लिए भी कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर करना है। तो आई होप कि आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और आप करोगे जबरदस्त परफॉर्मेंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, जय हिंद जय भारत।